चलिए खबरों की शुरुआत मुरादाबाद से एक बड़ी खबर के साथ। बता दें कि सरकार की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, साथ ही बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के चलते ये अभियान कागजों तक ही सीमित नजर आ रहा है। जी हाँ, ताजा मामला मुरादाबाद के गांधीनगर का है, जहाँ पब्लिक स्कूल में 2 दर्जन छात्राओं को परीक्षा देने से इसलिए इनकार कर दिया गया क्योंकि उन छात्राओं की फीस जमा नहीं हुई थी, जिसके बाद अभिभावकों ने स्कूल परिसर पहुंचकर वहां जमकर हंगामा किया। प्रिंसिपल से टीचर से मिलने की उन्होंने मांग की और हंगामा बढ़ता हुआ देखकर स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस तरह से मुरादाबाद से ये खबर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को ठेंगा दिखाती हुई, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि 2 दर्जन छात्राओं को परीक्षा नहीं देने दी गई, परीक्षा में बैठने से इनकार करवा दिया गया स्कूल प्रशासन की तरफ से, क्योंकि इन छात्राओं की फीस जमा नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों की वजह से, जिसके बाद स्कूल प्रशासन की तरफ से लिया गया ये फैसला अभिभावकों को नागवार गुजरा और अभिभावकों ने स्कूल परिसर पहुंचकर वहां जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को भी वहां पर बुला लिया गया ताकि स्थिति अनियंत्रित न हो जाए। तो सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा धरातल पर कितना अमल में आ रहा है, आप तस्वीरों के जरिए हकीकत से रूबरू हो सकते हैं। तो सुना आपने छात्राओं को, सुना आपने उनके अभिभावकों को, कितने परेशान ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चियों का तो कहना है कि स्कूल की फीस उन्होंने जमा कर दी है, कल ही जमा करवाई थी, लेकिन आज उन्हें एग्जामिनेशन में बैठने से मना कर दिया गया। ऐसे में तमाम तरह के सवाल स्कूल प्रशासन के ऊपर खड़े हो रहे हैं। स्कूल के बाहर अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। अभिभावकों ने इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन से जब बात करने की कोशिश की तो स्कूल प्रशासन ने इनकार कर दिया और पुलिस भी वहां पर मौजूद है स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए, ताकि झड़प ना हो जाए अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के स्टाफ के बीच। छात्राओं की फीस जमा नहीं थी, 2 दर्जन के करीब ये छात्राएं बताई जा रही हैं जिनके अभिभावक किन्हीं कारणों से उनकी फीस जमा नहीं करवा पाए थे, लेकिन स्कूल ने इनकी एक न सुनी और इन्हें परीक्षा से बेदखल करने को मजबूर कर दिया, यानी कि इनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, और अगर बैठने भी दिया गया तो मात्र आधे घंटे का समय दिया गया। जिस तरह से एक छात्रा ने कैमरा के सामने आकर अपनी बात रखी और कहा कि महज आधे घंटे का समय हमें परीक्षा के लिए दिया गया, जो कि सरासर अन्यायपूर्ण है, और इस तरह से पब्लिक स्कूल की मनमानी एक बार फिर से जग जाहिर। पब्लिक स्कूल अब कमाई का अड्डा बनते जा रहे हैं, यहाँ शिक्षा नहीं दी जाती, यहाँ बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते, बल्कि यहाँ पर सिर्फ उनके अभिभावकों से पैसा वसूलने का काम किया जाता है, यानी कि उगाही का अड्डा भी एक तरीके से
आजकल के इन प्राइवेट स्कूलों को कहा जा सकता है? शिक्षा का स्तर कहाँ पहुंच रहा है? इस बात से, इस मुद्दे से इन प्राइवेट स्कूलों को कोई सरोकार नहीं होता। इन्हें मतलब होता है तो सिर्फ अपनी फीस से, और अगर फीस लेट भी हो जाती है तो कुछ एडजस्टमेंट्स करने की बजाय बच्चियों को परीक्षा देने से इनकार कर दिया जाता है, जिसके बाद अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा और वो स्कूल परिसर में पहुंचकर हंगामा करने लगे। ब्रह्म प्रकाश उपाध्याय हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। ब्रह्म प्रकाश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को साफ तौर पर प्राइवेट स्कूल ठेंगा दिखाते हुए, आखिरकार कब तक प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जारी रहेगी और क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। अब बिल्कुल, आपको ये बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के साथ साथ यूपी की सरकार का भी अहम नारा है और इसी पे कार्य करने के लिए भाजपा सरकार अपने अधीनस्थों को और साथ ही अधिकारियों को काफी जोर देती है। लेकिन गांधीनगर पब्लिक स्कूल में जो आज नजारा देखने को मिला वो काफी चौंकाने वाला देखने को मिला। इस पब्लिक स्कूल ने फीस के नाम पर दर्जनों से अधिक छात्राओं को न केवल परीक्षा देने से घंटे भर से ज्यादा रोका, बल्कि इस दौरान जो अभिभावकों को जब पता चला तो जमकर कॉलेज के बाहर हंगामा भी हुआ। काफी देर बाद जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने मध्यस्थता बीच में कराई, उसके घंटों बाद इन लड़कियों ने पेपर दे पाई। लेकिन इस दौरान हंगामे के दौरान काफी बड़ी संख्या में छात्राएं रोती बिलखती नजर आई, गिड़गिड़ाती नजर आई, लेकिन स्कूल प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रहेंगी या यूं कहें कि उनका नरम दिल ही नहीं हो पाया। जी ब्रह्म प्रकाश, ऐसे में स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सफाई इस पूरे मामले को लेकर दी जा रही है? आपको बता दें कि जैसे ही पुलिस टीम ने इस पूरे मामले को अपने कैमरे में कैद किया और स्कूल प्रशासन या स्कूल प्रचार शशि शर्मा से जब बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पे आने से साफ मना कर दिया, और बल्कि ये कहती नजर आई कि आखिर हम, वो अपने बचाव में ये कहती नजर आई कि हम आखिर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। उन्होंने सीधे आरोप अभिभावकों पर लगाया, उन्होंने कहा कि फीस जमा करने में देरी हो रही है, ऐसे में स्कूल चलाना काफी मुश्किल है। तो गौर करने की बात यह है कि एक तरह से तो बढ़ती हुई फीस और काफी मोटी फीस ये पब्लिक स्कूल अभिभावकों की जेब से निकालते हैं, एक तरह से डाका डालते हैं। ऐसे में चंद महीनों की, अगर मैं कहूँ एक महीने की देरी भी हो जाती है तो इस किस तरह से इनको कितना न्याय उचित रहेगा, ये जो आज स्कूल प्रशासन ने किया है कि छात्राओं को, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रह्म प्रकाश उपाध्याय इस पूरी जानकारी को, इन तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए।